बुंदेली वार्ता में आपने बहुत सारी खबरें ऐसी देखी हुई हैं जिनमें कोनो बिटिया अपने प्रेमी के संग भाग जात, कई बार महिलाएं भी भाग जाती, लेकिन अब की बार एक महिला भागी है, दो बच्चन की माँ भागी है, भाभी भागी है हिस्ट्री सीटर के संग। अब हिस्ट्री सीटर के संग महिला भागी जेवरात लेके सो पीड़ित पति परेशान है, पीड़ित पति थाने जात लेकर उनकी कोनो सुनवाई नहीं हो, सीओ से लेके एसपी तक वो शिकायत कर चुको और अब आखिरकार वो पहुँचे है एसएसपी के द्वार पे न्याय की गुहार की लाने और न्याय की गुहार के संगे संगे वो जावी कह रहा है कि पुलिस उनको डरा धमका के थाने से भगा दी जब वो शिकायत करके भगत उतई तो जोन हिस्ट्री सीटर उनकी महिला को उनकी पत्नी को भगा के लगा हुआ है उनके परिजन भी उनके संगे आए दिन गाली गलौज कर रहे जिसे वो बहुत ज़्यादा व्यथित है, परेशान है और जो कछु भी आगे वो करे ई के लाने अब जिम्मेदार हुई है गुड़सराय थाने की पुलिस। सुनो का कछु कह रहा हो जो शख्स जो आज एसएसपी के तहत पहुँचो है न्याय की गुहार लगावे के लाने। हमारे साथ 2012 में शादी हुई, इसके बाद अभी तक हमें उस पर बिल्कुल माने विश्वास ही था, विश्वास था। अब इसके बाद अभी करीब 4 तारीख को वो भाग गई, 4 जून को भाग गई और हम जब घर पे गए दुकान पे चाय का डब्बा खोले थे, हम वहाँ से गए तो ये 11:30 बजे निकल गई। हम वहाँ से सब जगह ढूंढते रहे, हम 3 बजे गए हीरो होंडा चौक, मैं हीरो होंडा एजेंसी पे वहाँ पर निकलवाया कि जो यहाँ से निकली अरविंद घोष के साथ निकली और जब हमने फिर हम गए थाने गए भबड़ा के गए थाने, जब वहाँ हमने उल्टे सीधे लिखवाए वहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखवा पाया कुछ। फिर इसके बाद हम दोबारा घर आए तो देखा तो सब जेवर वेवर पैसा वैसा सब लेके भाग गए थे, 1 लाख रुपए था और जंजीर थी और मंगलसूत्र था, मैंने जो सामान थी सब लेके जो पायलें बिछी मुझे सब लेके चली। इसके बाद जब हम वहाँ गए तो फिर हम भक्ते आए झांसी, फिर झांसी में हमने एप्लीकेशन दी, यहाँ पे एप्लीकेशन दी तो कोई सुनाई नहीं हो रही है। फिर गए गुड़सराय गए थाने में, साहब उन्हें गाली और देने लगे, उनके साथ बड़े बड़े आदमियों का हाथ भी है, हैं जैसे मुन्ना कुरेठा वाले हैं उनका भी हाथ है उनका है, जैसे दाऊ के पास पहुँचे चौहान के पास उनने के रुक जाओ हम कर रहे, उनके पास पहुँच गया होगा तो उनने भी इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है हमारा।